हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे टू। हम सुबह के कितना 8:15 हो रही है। अभी हम पहुंचने वाले हैं इटारसी। तो सुबह 7:30 पे ये नॉक करके गए थे चाय और नाश्ता के लिए, थैंक यू। लेकिन हम लोग घोड़े बेचे सो रहे थे तो वो चले गए। चाय हमने रिक्वेस्ट किया है डिप चाय नहीं देने के लिए, वो अच्छे से बना कर जैसे घर में बनाते वैसे बना के देने के लिए। देखते हैं कैसा देखते हैं। तो हम लोग उठ चुके हैं और हम लोग एक्चुअली 8 बजे ही उठ गए थे। तो और ट्रेन जो है वो 3 घंटे लेट है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो भी मतलब ये लोग थोड़ा लेट ही दे रहे हैं जैसा इन्होंने बोला है। तो हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं और साथ में टुकू के लिए हमने मिल्क मंगवाया है और साथ में वो बिस्किट खाएगी। लाइक हम लोग चाय और बिस्किट खाएंगे, टुकू दूध और बिस्किट खाएगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बिस्किट दे दूँ टुकू को, अभी जस्ट उठी है तो थोड़ा पानी वानी पी के एंड उसके बाद फिर करेंगे। और बाहर का व्यू आप देखो इतना अच्छा है। और अभी हम लोग एक्चुअली मध्य प्रदेश में हैं। सुबह 9:30 बजे रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट में इन्होंने दिया है ये कॉर्नफ्लेक्स, उसके साथ ये दूध, एक बनाना, बटर, जैम, केचप, एक कॉफी, ये चाय सामग्री, टी किट, जो पीना है पीजिए। यहाँ पे है ये ब्रेड और इसमें है ऑमलेट। सो नॉनवेज में इन्होंने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट दिया है, वेज में वेज कटलेट दिया, बाकी सारे चीजें सेम है। हालांकि इन्होंने काफी लेट से दिया है, 9:40 हो गया है। जब भी आप टिकट बुक करने जाते हैं राजधानी के तो या दुरंतो के तो बाई डिफॉल्ट वो फूड इंक्लूड करके प्राइसिंग दिखाते हैं। बट अगर अगर आपको चाहिए तो आप फूड एक्सक्लूड भी करा सकते हैं, बट उसमें एक प्राइस डिफरेंस आएगा। और दूसरी बात, ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड ट्रेन है तो ये कहीं भी लंबे टाइम के लिए रुकती नहीं है, तो फिर आपको खाना का ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, यहाँ आप खरीद सकते हैं सेम वेंडर से, बट उसका प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली 20% ज्यादा पे करना पड़ेगा। सजेस्ट यू कि आप खाना जो है आप खाना इंक्लूड करके ही टिकट कराओ, मतलब दैट वुड बी एक्चुअली चीपर। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज एवरी मील में आप सेव करेंगे अगर आप साथ में टिकट के साथ बुक कर लेते हैं। अगर आप क्या कर रही हो, दिखा रही हो क्या, दिखाओ बाहर में। ओ वाओ, ये तो पूरा जंगल है। तो अभी है डे टू, आफ्टरनून 12 o'clock, वी हैव रीच्ड नागपुर। तुमको भी व्लॉग करना है? टाइम हो गया है 12:40 और डे टू 12:40 टाइम 12:40 PM और अभी इन्होंने हमें सूप ला कर दिया है जो रात में था, सेम नॉर का टोमेटो सूप। इसमें एडिशन है कि एक बटर दिया है,
आई डोंट नो, मे बी ब्रेड स्टिक के साथ खाने के लिए दिया होगा और बाकी कोई एडिशन कुछ नहीं। पानी अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि पानी साफ है या नहीं, क्योंकि रात तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। चलिए दिखाता हूँ, पोर सम हॉट वाटर एंड अगेन वाटर इज डर्टी। कर रहे हो भैया, रात से एक ही परेशानी, रात में तीसरे बार में जाके साफ पानी मिला है। सर इसमें अभी दूध आया था, धो के जब भी लेके आया होता है तो धो के तो अच्छे से धुलाना पड़ेगा ना, या मेरे को एक अलग कंटेनर में या कोई और चीज में आप लाके दे दो। पानी ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। टाइम फॉर लंच, टाइम हो रहा है 1:45। ये ऊपर में चिकन थाली है, नॉन वेज थाली, और नीचे वेज थाली। ये हमने एक एक्स्ट्रा राइस और एक एक्स्ट्रा रोल पराठा मंगाया था। दाल राइस फुल ऑफ ऑयल, चिकन करी देख के तो, ये चावल है, पराठा है, वही रात जैसा था एज यूजुअल। बहुत मोटा है, कैसे खाओगे, देख एक्स्ट्रा मंगायो। पराठा बहुत ही हार्ड है अभी भी, तुम और एक्स्ट्रा मंगायो, इससे अच्छा चावल खा लेना चाहिए था। दोपहर का लंच इतना गंदा था कि मैंने ट्वीट किया था रेलवे सेवा को और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करके, इवन IRCTC ऑफिशियल को भी मैंने टैग किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि उनके साइड से प्रॉम्प्ट रिस्पांस था, इमीडिएटली कंप्लेन रेज हुआ विद इन 15 to 20 मिनट। जो कैटरिंग मैनेजर ऑन बोर्ड था ट्रेन पे, वो मेरे पास आया पूछने के लिए कि डिटेल में हुआ क्या। लकली मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो मेरे पास था, मैंने सारा एक एक इंसिडेंट दिखाया, जो पानी में गंदगी है, पराठा खराब है, चावल में बाल है, इस टाइप से जो भी इश्यूज थे मैंने सभी दिखाया। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया है और बोला है कि नेक्स्ट सर्विस से वो खुद क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपरली चेक करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि इस कोच में जैसे फर्स्ट AC में जो भी 15-20 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया, सब वही गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं। बट मैंने रेज किया तो मेरे पे प्रॉम्प्ट रिस्पांस हुआ और उनके साइड से अपोलॉजी आई और जो भी है फीडबैक गया उनके पास। अगर आप लोग सभी ऐसा करें, एटलीस्ट 50% लोग भी एक्टिव हो जाएं और इस तरह से रेलवे को इन्फॉर्म करें, तो इमीडिएट एक्शन होगा और इससे सबकी भलाई होगी। जैसे लास्ट टाइम जब आप मेरा हमारा वैष्णो देवी का वीडियो देखे होंगे, आई थिंक उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमारे रात को रूम हीटर जो उन्होंने चलाया था उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया था, इतनी गर्मी हो रखी थी कि सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। बट किसी ने कोई कंप्लेन रेज नहीं किया और जब मुझसे फाइनली रहा नहीं गया तो मैंने ट्वीट किया और विद इन 15 मिनट्स मुझे रिजोल्यूशन मिला। अटेंडेंट अवेलेबल नहीं था ऑन बोर्ड, इसलिए फाइनली मुझे ट्वीट करना पड़ा। तो इस तरह से अगर आप रेल सेवा को टैग करके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को टैग करके कोई भी कंप्लेन है इमीडिएटली कंप्लेन करें, इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा और इससे उनका सर्विस आगे इम्प्रूव होगा। जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे तब तक इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्हें लगेगा कि पीपल आर यूज टू इट। तो जैसा उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मील जो इवनिंग स्नैक्स है और डिनर है वो इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से देखेंगे। चाय के लिए भी हमने बोला था कि चाय की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, मिल्क के नाम पर हर जगह वो पाउडर, मिल्क पाउडर यूज़ करें, इवन कॉर्नफ्लेक्स के लिए जो दूध दिया उसमें भी उन्होंने मिल्क पाउडर यूज़ किया। मैनेजर ने बोला है कि वो टेट्रा पैक यूज़ करते हैं और सुबह जो उनके उनका जो स्टाफ था उसने बोला था कि वो पाउडर यूज़ करते हैं। लिटरली हमने फ्लाइट या फ्लाइट से भी ज्यादा पे करके ये फर्स्ट AC का टिकट लिया है, नॉट फॉर दिस एक्सपीरियंस डेफिनेटली। का 6:35 हुआ है अभी। तो ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स, ये है कचौड़ी, इन्होंने केचप दिया है, टी का मटेरियल दिया है टी बनाने के लिए। ये सारा प्रोडक्ट मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट ये नोवा का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बटर हो, कर्ड नहीं, कर्ड डेरी मदर डेरी का है, क्रीमर नोवा का है, पिकानो का सोन पापड़ी एक छोटा सा इन्होंने दिया है डेजर्ट के लिए, एंड ये एक आलमंड्स है रोस्टेड, एक और टी के, और एक सैंडविच बर्गर है, जो दो सैंडविच है क्लब सैंडविच इन्होंने दिया है। कैसा है खा के बताओ? ठंडा ठंडा तो है,
एज यूजुअल बट टेस्ट वाइज वेज सैंडविच एक्चुअली इसमें क्यूक्यूम्बर कैरेट अनियन टोमेटो ये सब जो भी वेज सैंडविच होता है वो डाल के इन्होंने दिया है। पिंक स्नैक्स हमारा डन है, ये थोड़ा बेटर था बट अगर ठंडा गर्म रहता तो और ज्यादा अच्छा रहता। क्यों बदमाशी हो रही है? रात के 8 बज गए हैं, अभी हम सिकंदराबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। सिकंदराबाद स्टेशन फर्स्ट एसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल ही लास्ट में है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ भी एक्सप्लोर करने का, ना आप खाने के लिए कुछ खरीद सकते हो, ना पीने के लिए कुछ ले सकते हो, ना कोई स्टॉल है आसपास में। ये अभी रात के एग्जैक्टली 9 o'clock हुए हैं और इन्होंने डिनर सर्व कर दिया। इन्होंने हॉट चपाती दिया है जो काफी सॉफ्ट है और ये अच्छे से कुक्ड है, बाकी राइस दाल और एक करी। मैंने कंप्लेन किया था तो सिर्फ मेरे लिए उन्होंने सॉफ्ट रोटी बना के दिया, बाकी वो बाहर का ही है क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा राइस मैंने मंगाया है। ये अगेन सेम दाल फ्राई, ये पनीर है, हॉट चपाती, राइस, चिकन ग्रेवी जो मैंने पहले ही बोला था आंध्रा स्टाइल चिकन ग्रेवी है, दाल फ्राई और जो रोटी। अगेन ये रोटी इन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है क्योंकि मैंने कंप्लेन किया था, बाकी लोगों के लिए वो सेम पराठा फिर से खिला रहे हैं। डिनर हो गई हमारी, अब डिनर के बाद डेजर्ट। डेजर्ट में इस बार इन्होंने फिर से आइसक्रीम ही है बट दिस टाइम इट्स फ्रॉम अमूल मदर डेरी। जब तक वो लोग शायद दिल्ली से मिल रहे थे, नॉर्थ में जब तक थे तब तक शायद मदर डेरी का था, अभी इधर आए हैं तो अमूल का। और तीन घंटा ट्रेन लेट है अभी भी, आई डोंट थिंक ये बैंगलोर ये टाइम पे पहुंच गई रात वाले में। तो टाइम हो रहा है 5:45 day 3, ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 hours लेट है, फाइनली 3 hours लेट थी बट उसने 1.5 hour मेकअप कर लिया है। तो एक्सपेक्टेड अराइवल बैंगलोर सिटी में 7 o'clock का अभी दिखा रहा है। जर्नी वॉज काइंड ऑफ अबव एवरेज, ओनली बेस्ट थिंग वॉज यू कूप, दो लोगों का मिला, एक प्राइवेट स्पेस मिल गया, अपार्ट फ्रॉम दैट फूड वाज अबव एवरेज जो हमने बताया। गुड मॉर्निंग, 6:35 हाफ एन आवर हम लोग पहुँच जाएंगे बैंगलोर सिटी स्टेशन। अभी यशवंतपुर से हम लोग निकल चुके हैं। सो वी रीच्ड एट अराउंड 6:40, 6:45 प्लेटफॉर्म 8 और प्लेटफॉर्म 8 पे बैक गेट पे एग्जिट है तो यहीं पे हमें कैब भी मिल जाएगी, तो हमें प्लेटफॉर्म 1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कैब आ गई, ये ट्रिप यहीं एंड होती है, हम ये वीडियो क्लोज करते हैं।